हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आता है सबको खाना। और इसके लिए हमने ली है गाजर, ग्रेटेड गाजर। गाजर को मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है और इसको धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। मैंने दूध डाल दिया है। मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है, तो मैं 5 किलो का गाजर का हलवा बना रही हूँ। अगर आपको 3 किलो का गाजर का हलवा बनाना है तो आप 1.5 किलो दूध डालेंगे। गाजर की आधी क्वांटिटी दूध, आधी मात्रा में दूध डलेगा। उसके बाद इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और धीरे धीरे चलाते रहेंगे मध्य आँच पर। गाजर को तब तक चलाते रहना है जब तक इसमें दूध सूख ना जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दूध थोड़ा सूख गया है और अब मैंने इसमें चीनी मिला दी है। 5 किलो हलवे में मैंने इसमें 750 ग्राम चीनी मिलाई है। चीनी मिलाने के बाद इसको अच्छे से पकाना है और इसमें घी डालकर इसको भुनना है। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला है और मैं इसको लगातार धीमी आँच पे चलाए जा रही हूँ। मैंने कढ़ाई में खोया ले लिया है और मैंने इसको 1 चम्मच घी में भुनना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा खोया गार्निशिंग के लिए मैं घिस रही हूँ कद्दूकस में। अब मैंने गैस बंद कर दी है और गाजर को ठंडा होने के बाद इसमें खोया मिलाना शुरू कर दिया है। भुने हुए खोए का स्वाद ही अलग होता है। आजकल लोग खोए को भुनते नहीं हैं, बट खोया हमेशा गाजर के हलवे में भुनकर ही डालना चाहिए और जिससे कि वो आसानी से मिक्स भी हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खोया अच्छी तरीके से मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। खोए में गांठें नहीं रहनी चाहिए। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दिए हैं और इसमें ग्रेटेड खोया भी डाल दिया है। गाजर का हलवा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।